नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनए टीवी। जिस तरीके से आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो परचम पे है और लोग लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसी चीज़ को लेके आज हमारे साथ कुछ युवा जन मौजूद है और उनसे हम चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, और ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता भी है तो उनसे हम चल के जानते हैं। तो पहले सर आप अपना सुपरिचय बताइए। मेरा नाम जगत सिंह है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी मयूरविहार जिले में। हाँ तो सर, जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन का चुनाव है तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 400 ही पार नहीं जा पाएगी? बीजेपी 400 से ऊपर सीटें जीतेंगी और जैसे कि मोदी जी ने कहा 370 तो हमारी अपनी आएंगी और 400 प्लस हमारी जो एनडीए के साथ मिलकर आएंगी। ये अभी आपने देखा होगा दिल्ली में इनका गठबंधन हो रहा है, पहले एक दूसरे को गाली देते थे आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस वाले, आज वो दोनों एक हो रहे हैं। उसके बावजूद लोग बाग इनकी उसको समझ रहे हैं, लोग बाग फिर भी मोदी जी को ही लेके आएंगे क्योंकि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व में आज हमारे देश का कितना नाम हो गया आप भी देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कल एक नारा लगाया था कि इंडी गठबंधन क्या करेगा, वो भी भोजपुरी के शब्द में, बनारस के जिले में। इंडी गठबंधन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये लूट खसोट के लिए आ रहे हैं, लूट खसोट के लिए ही ये काम करते हैं। आज मोदी जी को देखिए 10 साल से कैसा काम कर रहे हैं। पहले भारत का नाम विश्व में कहाँ था, कोई पहले के प्रधानमंत्री को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। आज देखिए बाहर के देशों में भी हमारा कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी नागरिक होता है, उसको कितनी वो मिलती है। अभी आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हुआ, उसके बाद और भी जगह कई जगह युद्ध हुए, वहाँ पे क्या नाम है, मोदी जी की वजह से सिर्फ तिरंगा लगाया गया था, उसकी वजह से वहाँ के नागरिक वहाँ से निकल पाए जी। सिर्फ ये किसके कारण हो पाया कि मोदी जी की वजह से हो पाया जी। तो और क्या कहना चाहिए, जिस तरीके से न्याय यात्रा लगातार कांग्रेस वाले कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? न्याय यात्रा देखिए, इन्होंने पहले भी एक यात्रा निकाली थी, उसका कोई रिजल्ट निकला? ये भारत जोड़ो यात्रा ये निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा ये निकाल रहे हैं। जितना ये वो करके चल रहे उतने ही ज़्यादा इनकी पार्टी के लोग टूट के आ रहे हैं ना जी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वो लोग आ रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और उनकी पार्टी टूटती जा रही है। अभी देखिए अशोक चव्हाण इनके एक नेता थे महाराष्ट्र में, वो टूट के हमारी पार्टी में आ गए और भी कई जगह से इनमें टूट फूट हो रही है जी। नीतीश कुमार के लिए आप क्या कहना? नीतीश जी का अपना वर्चस्व है बिहार के अंदर और वो वर्चस्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लगातार मुख्यमंत्री बने चले आ रहे हैं बिहार में। मैं कहूँगा कि उनका जनाधार है और रहेगा और अब एनडीए में आने के बाद में और उन्हें अच्छा मौका मिलेगा काम करने का, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं ये तो पलटू चाचा हो गए, जब देखो तब पलट जाते, बिन पेनी के लोटा हो गए। देखिए ये राजनीति है और जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हैं और क्षेत्र की या सरकार में जो बैठे हैं जनता की सोच वो रखते हैं और जनता की सोच को रख करके वो चाहते हैं बिहार के लिए कुछ अच्छा करना, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, तो आपका क्या कहना है लोकसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि भाजपा जो है 400 प्लस जाने वाली है, जिस तरह मोदी जी ने काम करा है, जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो स्ट्रांग हुई है, जो शायद पहले किसी भी दशक में नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छा जो काम मोदी जी ने करा है, सारे काम जो है ग्राउंड लेवल पर हो रहे हैं, ज़मीनी तौर पर लोगों तक स्कीम्स पहुँच रही हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भाजपा जो है 400 प्लस जरूर लेके जाए। चलिए, आप लोग को भरोसा तो है पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ और आज योगी जी ने कहा कि इसका एग्जाम फिर से 6 महीने बाद होगा, तो ये पेपर लीक वाला माजरा समझ नहीं आता। देखिए जो भी घटनाएं होती हैं ये हर सरकार में होती है, फिलहाल भाजपा की तरफ से इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है और जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है, उचित कार्रवाई की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि 400 पार जाएगी बीजेपी? 100% वी आर गोइंग बियॉन्ड 400 एंड अभी नई कीर्तिमान सामने आने वाले हैं, आप बस वेट कीजिए। ओके, चलिए और भी लोगों से हम जानते हैं कि क्या कहना है उनका लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तो सर, न्याय यात्रा तो हो रहा है और बीजेपी लगातार अपने परचम को लहरा रही है, तो क्या लग रहा है उनका परचम लहरेगा? न्याय यात्रा सिर्फ नाम है, अन्याय है वो, और बीजेपी मोदी जी की गारंटी है, बीजेपी ही आनी है, मोदी जी ही आ रहे हैं, कोई शंका नहीं है इस बार 400 के पार। क्यों कोई शंका नहीं है? बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए पूरे देश में हैक कर लिए हैं क्या कि लोग डर ही नहीं रहे हैं? नहीं, जहां उनकी जीत
जीत होती है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है, जहाँ बीजेपी की जीत होती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है इनका। तो ये तो जनता जान रही है ना, इंडी गठबंधन को तो छोड़ नहीं रहे हैं। इंडी उंडी कुछ नहीं चलने वाला है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी ही चलने वाले हैं और कोई नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है इंडी गठबंधन टूट ही जाएगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा पूरी तरह से। पर उत्तर प्रदेश के जितने छोटे मोटे लोग हैं गठबंधन है, वो लोग तो लगातार इंडी गठबंधन से जुड़ रहे हैं। उस सब से कुछ नहीं होने वाला है। जो इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, वो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है इस बार 400 के पार। चलिए, जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ लोगों का विश्वास है कि बीजेपी 2024 में अपना फिर से परचम लहराएगी, वैसे तो देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। वैसे आपको क्या लगता है हमारी इस पूरे रिपोर्ट से, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बनी रहेगा आना न्यूज़ के साथ।